हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर, और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं डहलिया के प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाए। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मदर प्लांट से कटिंग्स लेनी होंगी। तो ये मेरे दो डहलिया के प्लांट्स हैं जो मैंने पिछले सीजन में सेव किए हुए ट्यूबर से ग्रो किए हैं। उस पूरी प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है उसका, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी स्टरलाइज ब्लेड या सीजर की सहायता से आप कटिंग्स को काट लें। कटिंग्स की लंबाई जो है वो कम से कम 3 से 4 इंच की होनी चाहिए। मैंने कुछ ही कटिंग्स काट ली हैं मदर प्लांट से। अब ये जो कटिंग से उनके निचले हिस्से की जितनी भी पत्तियां हैं उनको हटा देना है, और जितनी भी बड़ी पत्तियां हैं उनको भी मैं आधा काट दूंगा ताकि इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कम से कम पानी का लॉस हो। इसी तरह बाकी सारी कटिंग्स भी तैयार कर लेते हैं। मैंने एक छोटी सी बोतल ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ मैं। ये रूटिंग हार्मोन पाउडर है। ये पाउडर जो है इस पानी में डाल के इसको अच्छे से मिला लेता हूँ। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा का जो प्लांट है उसकी लीफ को काट के उसका जेल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये घोल तैयार कर लिया है। अब जितनी भी हमने कटिंग्स तैयार की हैं उनको इसके अंदर कम से कम 10 मिनट के लिए डिप करके रखना है। इस बीच प्लांटिंग मीडियम तैयार कर लेते हैं जिसमें कि हम कटिंग ग्रो करेंगे। तो अगेन मैं ये बड़ी प्लास्टिक की बोतल यूज़ कर रहा हूँ, और प्लांटिंग मीडियम में मैं सिर्फ रेत यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो रेत को पहले से ही थोड़ा सा भिगो देते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा इसमें रेत भर दिया और उसमें पानी भी डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रेत जो है अच्छे से भीग चुका है। और ऑलरेडी 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं जो हमने अपनी कटिंग्स जो बनाई थी उनको पानी और जो रूटिंग हार्मोन का घोल था उसमें रखे हुए। तो अब किसी भी लकड़ी या पेंसिल की सहायता से आप इसमें होल करते जाइए और एक एक करके कटिंग्स इसमें लगा देंगे हम। बाकी जो ये पानी का मेरे पास घोल बचा था, पानी और रूटिंग हार्मोन का, वो भी मैं इसी सैंड में रेत में पूरा का पूरा डाल देता हूँ। अब इस बॉटल को हम पार्शियल शेडेड लोकेशन पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सैंड जो ये रेत है हमेशा उसमें नमी बनी रहे। तो होपफुली 10 दिन के अंदर इनमें इन कटिंग्स में से रूट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ये लगभग 1 महीने के बाद का रिजल्ट है। एक मेरी कटिंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई, बाकी सारी बहुत अच्छी चल रही हैं। समहाउ मैं टाइम नहीं निकल पाया इन कटिंग्स को देखने के लिए। रूट्स इनके अंदर मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर ही बनना शुरू हो गई थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ रेत के अंदर भी इनकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी है। जितनी भी पुरानी लीव्स थी वो सब डेड हो चुकी हैं। तो मैं आपको इनकी रूट्स दिखाता हूँ अभी।
ये सब पे रेत लगा हुआ है, तो अभी इसको पानी से धोने के बाद रूट्स वगैरह चेक करते हैं। अभी रूट्स काफ़ी अच्छे से दिख रही हैं, काफ़ी सारी रूट्स हैं और इस प्लांट को काफ़ी टाइम भी हो गया, तो इनमें ट्यूबर्स भी ग्रो होना शुरू हो गए हैं। अब इन सभी प्लांट्स को हम इंडिविजुअल उनके पॉट्स में लगा देते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।